मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्र आ रहे हैं तो फिर जिनको भी अपने यंत्र रिचार्ज करने हैं तो इसी टाइम पर करने होते हैं, तो कैसे करने हैं और किस दिन करने हैं और क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है, इन तीनों पर हम बात करेंगे। तो फर्स्टली कब करने हैं अपने यंत्र रिचार्ज? आठवें या नवी वाले दिन, मतलब जो अष्टमी या नवी वाला जो टाइम रहता है नवरात्र, है ना, मतलब स्टार्टिंग के 1, 2, 3 इनमें नहीं करना है, आठवें या नवी पर करना है ये वाली चीज़। और अगर आप अपने घर में कर रहे हैं ये हवन यंत्र वाला, तो फिर आपको 8 से 11 के बीच में करना है, सुबह में और शाम में भी 8 से 11 के बीच, ठीक है। इससे लेट नहीं होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए, 8 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम चुन लें या फिर रात का टाइम चुन लें, जो भी आपको सुटेबल लगे। और जहाँ पर भी यंत्र रखे हैं आपने, वहाँ से यंत्र निकालने हैं, हवन प्रज्वलित कर देना है, हवन में अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, ठीक है, और फिर अपने यंत्र निकाल करके वहाँ पर रखने हैं। और किसी लकड़ी के पट्टे पर रखना, मतलब कुछ ऐसे उस पर रखना, क्योंकि जब हवन होगा तो क्या है, नीचे से फर्श गर्म हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्टली फर्श पर रख देंगे तो क्या है, वो ईंट रहती है तो क्या ईंट चटकने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए उसको किसी ऐसे उस पर रखना कि आँच हवन के उस पर ना लगे, ठीक है। और इतना दूर भी नहीं रखना है कि मतलब हवन से बिल्कुल ही दूर रख दिया, हवन के पास रखना है, बट ऐसे रखना है पूरी सावधानी से कि उसकी ज़्यादा गर्माहट उसको ना मिले, कि नहीं तो क्योंकि अगर गर्माहट मिलेगी तो ईंट चटक सकती है, ठीक है, उसको टूटने फूटने नहीं देना है, थोड़ा सा भी बहुत ध्यान से बहुत प्यार से संभाल करके रखना है। और किस टाइम करना है, क्या सावधानी बरतनी है और कैसे करना है, जैसे नॉर्मली सारे हवन किए हैं वैसे ही करना है, बस आठवें या नवमी वाले दिन करना है, 8 बजे से 11 बजे के बीच करना है, रात को या सुबह में करना है, ठीक है। साल में एक बार करना होता है तो आप ये इसमें कर सकते हैं, बाकी जिन्होंने वन डे कर रखा है तो वो भी ये कर सकते हैं। दरबार से अपना हवन किट ले लें, जो हवन किट रहती है ना 3550 रुपये की, उससे करना है, अग्यारी से नहीं करना है, नॉर्मल पूजा पाठ से नहीं करना है, नॉर्मल ऐसे ही करना है, ठीक है, सिद्ध हवन किट लेकर के उसी से करना है। और उस दौरान ध्यान रखना कि अगर आप लोगों ने बंधन लगा रखे हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और तो बस माँ बाबा से प्रार्थना कर लेनी कि माँ बाबा जो भी हमारे घर में गंदगी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, चला चल जितनी भी संपत्तियाँ हैं, उन सभी जगहों से हमारी इन घरों की गंदगी निकाल दीजिए, और अपने सारे जितने भी घर हैं आपके वो ध्यान कर लें, चाहे आप रेंट पे रहते हो या चाहे जैसे भी जो भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान कर लें। और बस ये हो गया, हाँ ठीक है, बस इतना ही करें। और हाँ, आपके DNA के बाहर का कोई व्यक्ति उस यंत्र को छूने ना पाए, ठीक है, और वापस से जैसे ही हो जाए अपना हवन समाप्त हो जाए, उसके बाद ही अपने सही से उन यंत्रों को वापस उसी जगह पर रख देना है। कैसे रखना है, दोनों को एक साथ रखना है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप करके रखना है, ठीक है, और ऐसी जगह रखना है कि बार बार उसे कोई देखे ना, बार बार कोई टच ना करे, बार बार उसके कोई पूजा पाठ ना हो, साल में एक बार होती है। अगर आप दोनों नवरात्र में कर सकते हैं तो दोनों में, बट साल में एक किसी नवरात्र में करनी ज़रूरी है। जैसे कि अगर ये नहीं कि मतलब इस बार छूट जाएगा तो अप्रैल में कर लेंगे, नहीं, आपको अगर साल भर में पूरा आपका इसी बार बना हुआ है तो इसी बार हर बार करें, ठीक है, इसी नवरात्र में हर बार करें। अगर किसी का अप्रैल में बना हुआ है तो अप्रैल में वो लोग हर बार करें, मतलब ऐसे नहीं जैसे हम लोगों ने किया था, तो हमारा जो साल भर में पहला नवरात्र पड़ा था वो अक्टूबर में पड़ा था, तो हम लोग हर बार अक्टूबर वाले नवरात्र में ही करते हैं, ठीक है। अगर किसी का हो कि भाई उसका अप्रैल में पड़ा हो तो वो अप्रैल वाले में ही करे, और अगर कोई सक्षम है तो भाई दोनों में भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जय माँ बाबा की।